सोनभद्र में घोरावल थाना कोतवाली क्षेत्र के कोरट गांव में नदी में नाबालिग किशोरी का शव उतराया मिला। शव देख आसपास के लोगों ने तत्काल शव देख कर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर लोगों से पहचान करवाने की कोशिश की, पर किशोरी की शिनाख्त नहीं हो सकी। बता दें कि किशोरी की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष की है और किशोरी के हाथ पैर बंधे हुए थे। शव पानी से ऊपर न आ सके इसलिए शव पर बालू से भरी बोरी और पत्थर रखा हुआ था। इस दौरान स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आज सुबह घोरावाल कोतवाली को सूचना मिली कि कोरट गांव में सोन नदी में एक युवती का शव दबा हुआ देखा गया है। तत्काल कोतवाली पुलिस उक्त स्थान पर पहुंचकर शव को नदी से बाहर निकालकर लोगों से पहचान करने की कोशिश की, पर नाबालिग जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष है उसकी पहचान नहीं हो सकी। हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि बच्चे की मौत किस वजह से हुई। हम लोग शव की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पोस्टमार्टम में हत्या की वजह हुई तो मौत का विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शव नदी में उतराया हुआ मिला है, तो मामला क्या है, कार्रवाई क्या हो रही है? ये आज सुबह ये सूचना मिली थी कि ये वहाँ घोरावल में कोरटा गांव में एक डेड बॉडी मिली हुई है और एक 15-16 साल की लड़की का शव बरामद हुआ है। उसके साथ कफन और बाकी सारी चीज़ें भी मिली हुई हैं। इसमें हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ आसपास के गांव और थाना जुगेल का भी क्षेत्र नदी के उस पार पड़ता है, पता लगाया जा रहा है कि ये डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाए। और एक तो ये आशंका इसमें हो सकती है कि इनकी डेथ हुई हो और फिर शव को नदी में बहाया गया हो, तो इन बिंदु पे या और कोई चीज़ है इसमें? सर, लड़की का उसमें हाथ पैर भी बांधा गया है। अभी सीओ साहब वहाँ मौके पे है, वो सारी चीज़ें इसको देख लेंगे कि किस स्थिति में डेड बॉडी मिली है और इसका पीएम कराया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात पीएम में निकल के आएगी कि इनकी हत्या हुई है तो संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि अगर नेचुरल डेथ हुई है और परिवार वालों ने अगर शव को बहाया है तो उस बिंदु पे भी हम लोग जाँच अभी कर रहे हैं।